तो आज जबलपुर में तमाम मंत्रियों ने मुख्यमंत्री ने आज डेरा डाला हुआ था। जबलपुर को करोड़ों की सौगात मिली है और जबलपुर में जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच से सबको संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक को न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी में आ जाइए। ओमकार सिंह मरकाम है, डिंडौरी से विधायक है, बीजेपी में आने का इन्हें न्योता दिया है। मंच से ओमकार सिंह मरकाम से डॉक्टर मोहन यादव बोले कि आप गलत पटरी में कहां बैठे हैं, हमारे यहां आप आ जाइए। महाकौशल के अंतर्गत डिंडौरी विधानसभा सीट आती है और डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, जो कि कद्दावर नेता है, ओमकार सिंह मरकाम काफी माने जाते हैं कांग्रेस में, इनकी अच्छी खासी पैठ है। और आज जब सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम को कहा कि कहां आप गलत पटरी पर बैठे हैं, आप हमारे यहां आ जाइए। आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। तो सुना आपने, कहा गलत पटरी पर बैठे हो, आप हमारे यहाँ आ जाइए। और अब इस प्रतिक्रिया पर कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि सीएम मोहन का सपना पूरा नहीं होगा, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, विपक्ष से ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज सत्ता में आप है, कल हम आएंगे, भगवान राम के आदर्शों को भी अपनाए बीजेपी नेता। हमारा सुझाव है कि अहंकारी ना बने भाजपा नेता, आपका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी इच्छा जाहिर किया है, ये कभी सफल नहीं होना है। विपक्ष में रह के हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के समय समय पर जनता की आवाज़ को उनके संज्ञान में लाते हैं। तब जाहिर सी बात है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम को बीजेपी में आने का न्योता दिया और जिस तरह से अब ये कह रहे हैं कि कभी भी बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा, उसके बाद अब सियासी वार पलटवार का आप देखिएगा, वाकई जरूर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा।